फ्रेंड, जर्नी ब्लॉग विशालू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गणेश चतुर्थी स्पेशल डेकोरेशन चल रहा है। उन्हीं डेकोरेशन में से एक डेकोरेशन है बेंगलोर के जेपी नगर साइड। ये डेकोरेशन एक टेंपल में हुआ है। टेंपल का नाम है श्री सत्य गणेशा शिरडी साईं बाबा टेंपल, जहाँ पे गणेश भगवान जी भी हैं और साईं बाबा भी हैं। ये है उनका फ्रंट गेट और उधर से आप नॉर्मल भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम लोगों ने पास बनवाना ही अच्छा समझा और इस साइड बन रहा था पास। पर पर्सन 100 रुपीज चार्ज ले रहे थे ये, और हम लोगों ने अपना पास लिया और एंट्री करते हैं अब अंदर की तरफ। बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से बनाया गया है, और इसका डबल खूबसूरती है इसके अंदर का व्यू। आपको बता दें कि ये खूबसूरती, ये नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है 28 सितंबर तक। 18 सितंबर को गणेश चतुर्थी था, उस दिन से ये स्टार्ट है, 28 सितंबर तक ये रहेगा। आप सभी लोग भी अगर बेंगलोर में हैं, जेपी नगर पहुंच सकते हैं, तो एक बार इस टेंपल में विजिट जरूर करें। आप ये फ्लावर देख सकते हैं, पूरा क्वाइन से बनाया हुआ है। यहाँ पे क्वाइन और आर्टिफिशियल फ्लावर का ज़्यादा यूज़ किया गया है, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ की वजह से हम आपको प्रॉपर वीडियो यहाँ का नहीं ले सके, लेकिन जितना भी ले सके हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये डेकोरेशन है गणेश टेम्पल का, और यहाँ पे हम लोगों ने फटाफट से दर्शन किया और फट से हो गए बाहर की तरफ। बाहर निकलने के बाद भी आप डेकोरेशन देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ सभी चीजों को बनाया गया है। और गणेश जी के टेंपल से हम बाहर निकले हैं, अब चलते हैं हम शिरडी वाले साईं बाबा का दर्शन करने के लिए। हमने इसके पहले भी गणेश चतुर्थी स्पेशल श्री पचमुखी गणेशा टेंपल का वीडियो डाला हुआ है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर ये लाइट शो इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना कि ये नज़ारे में चार चांद लगा दे रहा है। तो आइए चलते हैं साईं बाबा के टेंपल की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है दान पेटी, जिसको हुंडी के नाम से कहा जाता है। यहाँ पे भक्तों की भीड़ देख सकते हैं, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। हम लोगों ने भी साईं बाबा के दर्शन किए। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जहाँ पे मिल रहा था प्रसाद। प्रसाद खाते खाते हम लोग बाहर निकल गए, और बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है। यहाँ पे नल लगे हुए हैं, जहाँ पे हैंड वॉश वगैरह कीजिए और बाहर निकल लीजिए। बाहर निकलने के बाद यहाँ भी मेला जैसा लगा हुआ है, छोटे छोटे शॉप हैं हर चीज़ के। तो आपको यहाँ का लाइट शो और फ्लावर शो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं नॉर्मल भक्तों की लाइन कितनी ज़्यादा लंबी लगी हुई है और कितनी दूर तक लगी हुई है। यहाँ पे आप डायरेक्ट मेन गेट से एंट्री कर सकते हैं। तो अगर आपको साईं बाबा और गणेश जी का टेंपल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे हमारे अच्छे अच्छे ब्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।